नोटबंदी के बाद नकदी के संकट से जूझ रहे लोगों का सब्र कहीं कहीं जवाब देता भी नजर आ रहा है। इन दो तस्वीरों में से एक है बुलंदशहर की, जहां सलीमपुर में बैंक में दो दिनों से पैसे न मिलने से गुस्साए लोगों ने दिल्ली बदायूं स्टेट हाईवे जाम कर दिया। वहीं कुशीनगर में SBI पर कैश न मिलने से नाराज होकर लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को घंटों जाम कर दिया। नोटबंदी के 37वें दिन भी लोग कैश पाने के लिए बेहाल हैं। नए नोटों की किल्लत के बीच 500 रुपए के पुराने नोटों का चलन भी आधी रात से पूरी तरह बंद हो रहा है। यानी अब अस्पतालों, दवाखानों, दूध के बूथों और टोल नाकों पर भी ये नोट काम नहीं आएंगे। 500 के पुराने नोट को खपाने के लिए आखिर दिन मुंबई में टोल नाकों पर भारी जाम लग गया। जाहिर है यानी नए नोटों को लेकर आगे मारामारी और बढ़ेगी। सरकार नोटबंदी के फायदे गिनाते हुए जल्द हालात बेहतर होने के दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर सिर्फ कतार की धक्का मुक्की है। विपक्ष लोगों की मुसीबतों का हवाला देकर सरकार पर निशाना साधने के मौके निकालने में लगा है। इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, और जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने सफर किया है और अभी भी कर रहे हैं, वो तीन लोग हैं। एक गरीब है, एक मजदूर है और एक किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 50 दिन धीरज रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उसके बाद हालात दुरुस्त हो जाएंगे। सवाल है, क्या 15 दिन बाद एक अदद 2000 के नोट को निकालने के लिए लगी ये लाइन कमजोर पड़ने लगेगी? क्या 15 दिन बाद अच्छे दिन आने सचमुच शुरू हो जाएंगे? मुंबई से दिवाकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।